हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का पकवान में। यहाँ पे मैंने दो आलू उबाल के उसको अच्छे से छील के ले लिए हैं। इसको हम ग्रेट करेंगे। ये हमारा आलू का ग्रेट तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक कप राइस का पाउडर लिया है और एक कप मैदा लिया है। एक टेबलस्पून नमक ऐड किया है और एक टेबलस्पून जीरा भी मैंने यहाँ पे लिया है। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा आलू का डक तैयार हो चुका है। इसमें मैं और एक टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहा हूँ ताकि पापड़ी हमारी अच्छे से निकले। इसे भी अच्छे से मिलाया है। ये हमारा आलू का डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी 10 मिनट बाद हम इसके निकाल के उसके छोटे छोटे गोले बना देंगे। इस टाइप से यहाँ पे मैंने बेलन और कोरपाट लिया है और थोड़ा सूखा मैदा भी लिया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है ताकि हमारी जो पापड़ी रहेंगी वो राउंड शेप में आसानी से कट जाए। इस टाइप से हम इसको कट करेंगे। देखो हमारी पापड़ी आसानी से राउंड शेप में कट हो चुकी है। इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। और सभी पापड़ी ऐसे ही बना के रेडी कर देंगे जैसे मैंने इस टाइप में कर दिया है। हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑयल लिया है, कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा है हमें गैस में। टाइप से हम पापड़ी को ऑयल में तलेंगे।
हमें हार्डली एक या दो वही पापड़ी तलनी आसान होगी, ताकि वो वहाँ पे ऑयल में पलट जाए। और ये हमारी पपड़ी पक चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी टाइप में हम और पपड़ी को ऑयल में तलेंगे। अच्छे गोल्डन कलर आने तक उसको ऑयल में तलना है। इस टाइप से हमारी पपड़ी रेडी हो चुकी है। देखो कितनी अच्छी गोल्डन कलर की पपड़ी तैयार हो चुकी है। इसे आप अगर तोड़ दे आसानी से तोड़ के, अभी तो ये फिलहाल नरम पपड़ी है, अभी अभी ऑयल से निकाली है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।